हेलो फ्रेंड्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानेंगे जिनका लाइफ स्पैन 1770 टू 1850 है. ही इज ऑल्सो नोन एज नेचर्स पोएट. ही इज कॉल्ड हार्बिंगर ऑफ नेचर, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर एंड वर्शिपर ऑफ नेचर. ही वॉज बॉर्न इन कॉकरमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट. उनके सिस्टर का नाम डोरोथी वर्ड्सवर्थ था, जो कि एक पोएट और डायरिस्ट थे. उनके वाइफ का नाम मैरी हचिनसन था. मैरी हचिनसन के सिस्टर का नाम सारा हचिनसन था, जिनको एसटी कॉलरिज लव करते थे. एसटी कॉलरिज की पोयम डिजेक्शन एंड ओट में उन्होंने सारा हचिनसन को एड्रेस किया है. विलियम वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट इन 1843 टू 1850 वो पोएट लॉरेट रहे. उनसे पहले रॉबर्ट साउदी थे, जो 1813 टू 1843 पोएट लॉरेट बने. विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 टू 1850, देन एल्फ्रेड टेनिसन 1850 टू 1892. विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी, दे वर नोन एज लेक पोएट्स. 1797 टू 1808, इट वॉज द पीरियड ऑफ वर्ड्सवर्थ बेस्ट पोएट्री. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट डिकेड. ड्यूरिंग दिस पीरियड दे लिव्ड इन डव कॉटेज इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड. वहां पे वर्ड्सवर्थ की फ्रेंडशिप कॉलरिज एंड साउदी से हुई थी. इसी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी को लेक पोएट्स भी कहा जाता है. डव कॉटेज, जहां पर पहले विलियम वर्ड्सवर्थ रहते थे, उसी डव कॉटेज में थॉमस डे क्विंसी भी बाद में रहने लगे आफ्टर वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799 तक रहा, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक. वेन द पीपल ऑफ द फ्रांस ओवरथ्रू द मोनार्की एंड टुक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक, जो 1793 में पब्लिश हुआ था, वो फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन था. लिरिकल बैलेट 1798, पोएम्स इन टू वॉल्यूम 1807, द एक्सकर्शन 1814, द प्रिल्यूड 1850, द प्रिफिस टू लिरिकल बैलेट 1800. द ओनली प्ले विच वॉज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ वॉज द बॉर्डर एंड इट इज वर्स्ट ट्रेजेडी. Now come to his important works. Lyrical Ballads. Lyrical Ballads with few other poems was published in 1798. Ye William Wordsworth and S.T. Coleridge dono ki collaboration mein likha gaya. And it was the beginning of romantic movement in literature. Total 23 poems are there. 19 poems are from Wordsworth and 4 poems Coleridge ke dwara likhi gayi. First poem, The Rime of Ancient Mariner, which was written by Coleridge. And the last poem of the lyrical ballad was Tintern Abbey, which was written by Wordsworth. The preface to the lyrical ballad, which was published in 1800, it is an essay. It was written by Wordsworth only. Lyrical ballads was written by Wordsworth and S.T. Coleridge, whereas lyrical ballads, preface to lyrical ballad is written by Wordsworth only. In this preface, he gave the theory of poetry. This preface is the second edition, preface to the second edition of the Lyrical Ballads. First edition Lyrical Ballads ka 1798 mein tha. Second edition Lyrical Ballads ka 1800 mein aaya tha, jiska full title tha Lyrical Ballads 1800 edition. And this preface is the preface to the second edition of the Lyrical Ballads. According to Wordsworth, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. According to Wordsworth, use of common themes should be there, rural environment and nature. Use of common language, the language should be the language of poet people. Poems in two volumes, which was published in 1807. Some of the notable poems are Resolution and Independence, Daffodils, जिसको I Wandered Lonely as a Cloud भी कहते हैं, My Heart Leaps Up, Ode Imitation of Immorality, Ode to Duty, The Solitary Reaper,
elegiac stanza, London 1802, composed upon Westminster Bridge. The word is too much with us. Next poem is The Excursion. Full title is The Excursion, being a portion of the Recluse. Wordsworth ne Recluse likhna tha, jisme introduction the prelude ki thi. उन्होंने रेक्ल्यूज को तीन पार्ट्स में बनाने के लिए सोचा. पार्ट वन अनफिनिश्ड है, उसको कोई भी टाइटल नहीं दिया गया. पार्ट टू इज द एक्सकर्शन विच इज कंप्लीट. पार्ट थ्री उन्होंने लिखा ही नहीं था. सो दिस एक्सकर्शन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेक्ल्यूज एंड रेक्ल्यूज इज अनफिनिश्ड वर्क. द प्रिल्यूड फुल टाइटल इज द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड. Wordsworth began writing Prelude in 1798. He finished in 1805 and he published in 1850. Prelude was published posthumously in 1850 by his wife Mary Hutchinson. It's a spiritual autobiographical poem. It is self-epic. Total there are 14 books. 7863 lines are there. It was intended to be introduction of the Recluse, which I have already told you. Some of the important poems are Tintern Abbey. Complete title is Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey on Revisiting the Banks of the Wye During a Tour, July 13, 1798. Opening lines are 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters and again I am here. These are the opening lines. Tintern Abbey is the last poem of the lyrical ballad. सबसे पहले बैंक ऑफ द वाई में ये 1793 में आए थे, तब वो अकेले आए थे. नाउ आफ्टर 5 years 1798 में वो अपनी सिस्टर डोरोथी विलियम्स के साथ यहां पर आए हैं. ये पोयम दिखाती है इम्पैक्ट ऑफ पासिंग टाइम ऑन द रिलेशनशिप विद द नेचर. अकॉर्डिंग टू हिम His relationship, relationship with the nature is becoming stronger and stronger as the time passes. This poem shows intellectual and spiritual transformation. इस poem में my dearest friend, my dear dear friend इन सब का use हुआ है, जो कि उनकी sister Dorothy Wordsworth को address किया गया है. Daffodils. इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. दिस इज द ओपनिंग लाइन. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम दिस डेफोडिल्स आर फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड डाई अपॉन दैट इनवर्ड आई व्हेन इज अ ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड. बट यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय. France standing on the top of golden hours and human nature seeing born again. These are some of the notable and important lines from Daffodils. Old imitation of immorality from collection of early childhood. Important lines are, our birth is but a sleep and a forgetting. The soul that rises with us our life's start. Solitary Reaper, it takes place in Scotland. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पोएम्स, क्योंकि इसके अंदर वर्ड्सवर्थ ने अपने बारे में नहीं कहा बल्कि एक गर्ल के बारे में कहा है, गर्ल को रेफर किया है. एंड सॉलिटरी रीपर इज अ बैलेट. इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हार्ट नो मोर. इसमें एक पीजेंट गर्ल है who was reaping in the field and while reaping in the field she was singing a song. Poet usko overhear karte hain aur carries memories of the song in his heart long after he move away from the scene. Unke song ko unhone apne heart mein rakha aur baad mein bhi unke girl ke song ko wo yaad rakhte hain kyunki unhone uske song ki memories ko apne heart mein rakha hai. लंडन 1802 में मिल्टन को एड्रेस किया है. मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आर. दिस इज अ सोनेट.
According to Wordsworth, England has now become corrupt and stagnant in all quarters. So he is addressing Milton that you should be living at this hour, आपको आना चाहिए और इसको इंग्लैंड को पहले की तरह आपकी अपने इंग्लैंड की तरह करना चाहिए. The world is too much with us. It criticizes the world of first industrial revolution for being absorbed in materialism and distancing itself from nature. Next important quote is, and never turned a stone. This quote is from his poem, Michael. Michael was not included in lyrical ballads first, but later it was included in lyrical ballads. फर्स्ट एडिशन में नहीं थी जबकि ये बाद में इसको इंक्लूड किया गया. शेली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनुच एंड ब्राउनिंग कॉल्ड हिम द लॉस्ट लीडर. क्योंकि वर्ड्सवर्थ बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में बट अब उनके अकॉर्डिंग अब वो फ्रांस से डिसइल्यूजन है. और क्योंकि वर्ड्सवर्थ टॉरी कॉज को सिंपेथाइज कर रहे थे पोएट लॉरेट बन गए थे इसलिए उन्होंने शेली ने उनको मॉरल यूनुच कहा एंड ब्राउनिंग ने उनको द लॉस्ट लीडर कहा. दैट मींस उन्होंने वो अपने पाथ से डेविएट हो गए हैं वर्ड्सवर्थ अपने पाथ से डेविएट हो गए हैं. द ब्लैकवुड मैगजीन विच वॉज फाउंडेड इन 1802 एंड पैट्रोनाइज बाय द विग पार्टी मेलिशियसली अटैक्ड वर्ड्सवर्थ कॉलरिज एंड साउदी. मतलब कि ब्लैकवुड मैगजीन ने लेक पोएट्स को अटैक किया था. ब्लैकवुड मैगजीन 1802 में पब्लिश हुई थी. रोमांटिक पोएट गेट द आइडिया ऑफ रिटर्न टू नेचर फ्रॉम रूसो. एसी ब्रैडले रोट अ पोएम हुज टाइटल इज लॉन्ग पोएम इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ. उनकी एक नोटेबल और कोट है, कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर. ये टेबल टर्न से लिया गया है, द टेबल टर्न्ड. एंड वर्ड्सवर्थ इज द ओनली पोएट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन टू राइट नो ऑफिशियल वर्स. वर्ड्सवर्थ जब पोएट लॉरेट बने थे 1843 में उन्होंने अपने मोनार्क के लिए कोई भी ऑफिशियल वर्स नहीं लिखा था. उन्होंने कोई भी उनके लिए कोई यूलॉजी नहीं लिखी थी. सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब इट लाइक इट एंड शेयर इट. थैंक यू.